भरत गुप्ता अपनी विमल एमडी की टीम के साथ इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द मोस्ट क्रेडिबल सोर्सेस। मुझे फ्लू के सिम्टम्स हैं, मुझे कफ हो रहा है, मुझे फीवर हो रही है, मुझे टाइटनेस हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है, तो क्या मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है? कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड कोरोना वायरस की डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दो कॉम्पोनेंट्स, एक कॉम्पोनेंट है सिम्टम होना और दूसरा कॉम्पोनेंट है कि या तो आपकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री है टू वन ऑफ द एरिया जहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेज है, या फिर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे किसी पर्सन के जिसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, या आप ऐसे हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करते हैं या कॉन्टैक्ट है उनके साथ जहाँ कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस को मैनेज किया जा रहा है। हमारे यूजर्स इसको बेटर समझ पाए तो उसका एक एग्जाम्पल है, ये सेब है। अब ये कश्मीरी सेब है या नहीं है इसके लिए दो पार्ट्स है, एक तो ये सेब होना जरूरी है, सेकेंड इसका कनेक्शन टू कश्मीर होना इंपॉर्टेंट है। या तो इसके ऊपर लिखा हो कि कश्मीर का सेब है, या जहाँ से हमने जिस वेंडर से लिया है वो बोले हमें कि कश्मीर का सेब है। सो वैसे ही वापस आते हैं, सिम्टम्स और आपका कनेक्शन टू द प्लेस जहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं, वो दोनों का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन बहुत सारे लोग कि अगर मुझे खाली फीवर और कफ नहीं, या कफ है फीवर नहीं है, सांस चढ़ रहा है या फटीग है, तो कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो मुझे कोरोना वायरस का इंडिकेशन हो सकता है कि मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है? इसके लिए हमने WHO की एक स्टडी को रेफर किया। WHO की ये स्टडी रेफर की जिसमें उन्होंने चाइना में जो केसेस हुए थे उनके सिम्टम्स को स्टडी किया था कि कितने लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स थे। अगर आप देखें फीवर, कफ, फटीक, स्पूटम का आना, सांस चढ़ना, ये सारे तरह के सिम्टम्स जो थे वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स में देखे गए थे। तो पॉइंट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सिम्टम्स है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के वो बहुत ही जेनरिक इन नेचर, बहुत ही नॉर्मल इन फ्लू जैसे सिम्टम्स। WHO चाइना जॉइंट कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से इन्फेक्शन के एवरेज 5 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू हो गए, और अगर बीमारी माइल्ड है उसका मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि 80% लोगों में ये देखा गया, उनमें 2 वीक्स में इन्फेक्शन रिजॉल्व कर गया, COVID-19 टेस्ट नेगेटिव आ गया 2 वीक्स के बाद, और जिनमें कॉम्प्लिकेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी उनमें 3 to 6 वीक्स 3 से 6 हफ्ते के बाद टेस्ट नेगेटिव हो गया। क्या कोई सिम्टम ना भी हो फिर भी क्या मैं कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मेरे में हो सकता है, मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता हूँ? तो 1 से 2% केसेस देखे गए हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ 1 से 2% केसेस ऐसे थे जिनमें कोई सिम्टम नहीं था, और बाद में टेस्टिंग के बाद पता लगा कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस थे। फिर ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो क्या ये डेथ सेंटेंस है? इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइना के जो केसेस थे उनको एनालाइज करें, उसमें से 80 to 81% केसेस को सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज थी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 100 पेशेंट्स को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था उसमें से 80% लोगों को माइल्ड डिजीज थी, माइल्ड सिम्टम्स थे, और वो पैरासिटामोल लेके, फ्लूड्स लेके, रेस्ट लेके नॉर्मल फ्लू की तरह मैनेज हो गए, उनकी डिजीज 80% लोगों की डिजीज रिजॉल्व कर गई विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। 20% केसेस ऐसे थे जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, और उनमें से कुछ परसेंटेज लोग थे जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी। तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो ये देखा गया है 2 to 3%, तो 100 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोगों की डेथ होती है। अगर आपको लगता है कि आप सस्पेक्टेड केस की डेफिनेशन में कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि मान लीजिए कि आपको सिम्टम्स भी है और आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या आपका कॉन्टैक्ट है विद अ पर्सन जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो आप क्या करें? आप गवर्नमेंट की दी हुई हेल्पलाइन नंबर जो कि नीचे लिंक पे, या वो ईमेल आईडी, उस पर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। कोविड वायरस टेस्टिंग के 3 कॉम्पोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कोविड वायरस टेस्ट करने के लिए किट का अवेलेबल होना। डेजिग्नेटेड सेंटर्स में ये किट अवेलेबल है। अभी ये किट कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड सेंटर्स में ही ये किट अवेलेबल है। दूसरा पीस है इसका टेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज RT-PCR। इस RT-PCR करने के लिए लैब्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इतने इन्फेक्शियस वायरस को हैंडल करने के लिए लैब्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि वो अपने लैब्स में काम करने वाले डॉक्टर्स टेक्नीशियंस को इन्फेक्ट ना कर दें। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लैब्स में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो प्रॉपरली डीकॉन्टेमिनेट हो। हर लैब को
ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4 रेट किया जाता है कि वो कितने इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया को हैंडल कर सकती है। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा लेवल है वो है BSL-4, बायोसेफ्टी लेवल 4। बायोसेफ्टी लेवल 4 की हमारे देश में लिमिटेड लैब्स थी और पूरे वर्ल्ड में ही 50 लैब्स हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बायोसेफ्टी लेवल 2 और लेवल 3 लैब्स को अपग्रेड कर रही है ताकि वो इस इन्फेक्शियस COVID-19 वायरस को हैंडल कर सके। आज के दिन 52 लैब्स गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट की है कि जो इस टेस्ट को कर सकती है। इसलिए आप अपनी नज़दीक की लैब में घर बैठ के सैंपल इसका नहीं दे सकते, आपको गवर्नमेंट हेल्पलाइन में कॉल करना पड़ेगा या ईमेल करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना पड़ेगा।